भारतीय डाक दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर में कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज यानी 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया, जिसके बाद 10 को अंत्योदय दिवस और 11 अक्टूबर को वित्तीय सशक्तिकरण दिवस मनाया जाएगा। आपको बता दें कि विश्व डाक दिवस प्रति वर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस का उद्देश्य डाक सेवाओं के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और डाक सेवाओं के माध्यम से दुनिया भर के लोगों को जोड़ने की भूमिका को पहचानना है। यह दिवस डाक सेवाओं के इतिहास, उनकी प्रगति और समाज में उनके योगदान को मानने का अवसर भी है। सबसे पहले 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस और राष्ट्रीय डाक दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो राष्ट्रीय डाक दिवस है और जो विश्व डाक दिवस जो हम काम कर रहे हैं, 150वां डाकघर के हमारे जो सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए और जो जनमानस को एम्पावर्ड करने का थीम जो इस बार का रखा गया है, 7 दिवसीय ये कार्यक्रम हम लोग अभी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 7 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक, जिसमें कि विभिन्न जो पोस्ट ऑफिस की जो सेवाएं हैं, मेल संबंधित सेवाएं, पार्सल संबंधित सेवाएं, वित्तीय सेवाएं, बीमा की सेवाएं, फिलैटली सेवाएं एवं अंत्योदय सेवाएं, इस तरह की सेवाओं को अलग अलग दिवसों में हम लोग बांटा है हम लोगों ने और इसको हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। 7 तारीख मेल डेज, 8 अक्टूबर को हम लोगों ने फिलैटली दिवस, 9 तारीख को हम लोगों ने एक पोस्ट डे के रूप में मनाया है, 10 तारीख को हम अंत्योदय दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं और 11 तारीख को हम लोग बीमा दिवस के रूप में इसको मनाने जा रहे हैं। असली मकसद ये है कि जो डाक विभाग की जितनी भी सेवाएं हैं, जितनी भी स्कीम्स हैं, बचत सेवाएं हैं, बीमा सेवाएं हैं, पोस्ट पार्सल लॉजिस्टिक सेवाएं हैं, कॉमन सर्विस सेंटर की सेवाएं, इसका अधिक से अधिक प्रचार किया जाए, अधिक से अधिक लोगों को पता चले कि विभाग में क्या नया चल रहा है और कितनी उपयोगी सेवाएं हैं, और जिससे कि हमारे न केवल शहरी क्षेत्र के बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में जो दूर दराज इलाकों में रह रहे हैं उनको भी इस सेवा का विस्तार पूरी तरीके से मिल सके और लोग इसका आनंद ले सके पोस्ट ऑफिस सेवाओं का। तो इसी शब्दों के साथ एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं।